हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि एंगुलर टॉर्क कैसे दिया जाता है अगर हमारे पास एंगुलर टॉर्क टूल ना हो तो। जैसे में हम लोग किसी भी इंजन का सिलेंडर हेड को टाइट करने के लिए एक तो टॉर्क दिया जाता है और दूसरा एंगल दिया जाता है, एंगुलर टॉर्क एंगल। जैसे में मान लीजिए कि किसी भी इंजन का सिलेंडर हेड है, उसका नट टाइट करने के लिए उसका जो टॉर्क दिया रहता है, मान लीजिए कि 45 न्यूटन मीटर प्लस 180 एंगुलर टॉर्क देना होता है। तो लेट उसके लिए हम लोग कैसे कंसेप्चुअल देंगे, टॉर्क एंगल देंगे, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में देखिए कि कोई भी नट हो या बोल्ट हो, उसमें 6 भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग। ठीक है, उसी तरह हम इसे एस्केप तैयार करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये भाग हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अगर लेट मान लीजिए कि हम कहीं पॉइंट से यहां से स्टार्ट करते हैं तो एक सर्किल बनता है जो टोटल होता है 360 डिग्री का। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो टोटल पॉइंट्स होते हैं 6 टोटल। ये बोल्ट नट बोल्ट्स में 6 भाग होते हैं। ठीक है, उसी भाग से इसको हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, इसको रख के हम लोग एक सर्किल बना रहे हैं, ये हो जाता है 360 और इसमें 6 भाग हो गए हैं। अगर 360 से हम लोग 6 को डिवाइड कर देते हैं तो 60 डिग्री आता है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहां आते हैं तो होता है 60, यहां आते हैं तो होता है 120, यहां आते हैं तो होता है 180, यहां आते हैं तो होता है 240, यहां आते हैं तो होता है 300 और यहां आते हैं तो होता है 360। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे ये बोल्ट जो है पिस्टन हेड में लगा हुआ है। ठीक है, तो मुझे अगर ये नट हो गया, ठीक है, बोल्ट हो गया, इस पॉइंट पर मुझे यहां पर मुझे स्पैनर लगाना है। ठीक है, और प्लेट अगर मुझे देना है 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्लस 180 का एंगुलर टॉर्क, तो हम क्या करेंगे कि सिलेंडर में नट लगने के बाद वहां पर क्या करेंगे कि हम किसी एक पॉइंट पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद मुझे 145 न्यूटन मीटर देने के बाद टॉर्क टूल से मुझे 180 एंगुलर टॉर्क देना है, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां आ जाएंगे। तो ये यहां से स्टार्ट करने के बाद यहां आएंगे तो हो जाएगा 180, यानी कि 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिए प्लस 180 का एंगुलर टॉर्क दे दिए। इसी तरह मान लीजिए कि मुझे 180 के जगह पे होता 120, तो यहां से स्टार्ट करते और यहां पर आके खत्म हो जाता। मान लीजिए कि ये हमारा ये स्पैनर है, रिंग स्पैनर, ये नट में लगा दिए और यहां पर मार्किंग कर दी, मुझे जाना है 180, तो यहां पर क्या करेंगे, मार्क कर देंगे और इसको टाइट करते 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 यहां पर आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 180 का एंगुलर टॉर्क हो गया, यानी 45 न्यूटन मीटर टॉर्क देने के बाद 180 एंगुलर टॉर्क हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स खत्म हो गया, अब हम आपको प्रैक्टिकल में कैसे होता है उसको बताएंगे।